Hello people, good morning and welcome back to our YouTube channel Bikers Residency. तो आज गुड मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है, 3:28 हो रहा है इन द मॉर्निंग. अभी हम लोग जा रहे हैं मनीष भाई को छोड़ने, मतलब मैं जा रहा हूँ मनीष भाई को छोड़ने, फिर मनीष भाई को ड्रॉप करके JVLR पे रुकना है. जितने भी आने वाले लोग हैं वेस्टर्न लाइन से JVLR पे मिलेंगे, उसके बाद आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे. आज अचानक एकदम अलग रूट पे मैंने गुड मॉर्निंग बोला है, ये व्लॉग का स्टार्ट किया हो. सो जस्ट हम लोग ऑफिस से निकले इसके लिए. चलो फिर अभी सब मिलने के बाद ही मिलते हैं आपको. मनीष भाई को तो घर पे छोड़ना ही है. सी यू. ओके सो मनीष भाई को ड्रॉप कर दिए घर पे, नाउ राइड पे जा रहे. सो लोकेशन और मैंने कुछ बताया नहीं है, तो लोकेशन है कामशेत, वहाँ पे उक्सन लेक है. ये मैं जब हम लोग लोनावाला जा रहे थे वो टाइम पे बोला था और वहाँ पे जाने का प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे हुआ नहीं वो सक्सीड. लेकिन आज तो जाना है, 26 जैन है. सो वी हैड प्लान दिस राइड फॉर दिस पर्टिकुलर डे. और रास्ते में और भी लोग मिलेंगे, तो फर्स्ट एज यूजुअल दिग्विजय मिलेगा अपने को. और अभी टाइम हो रहा है 4:02. ओ भाई 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 भाई, ऐसा रोड. चलो सी यू एट गुड़ेगांव. ओके दिग्विजय तो आ गया अभी, एंड फ्रॉम ये इट शोज 125 किलोमीटर्स. और एक्चुअली मेरे प्लेस से ये है 140 किलोमीटर्स डेस्टिनेशन. अभी यहाँ से 125 बता रहा है, 2 hours 48 minutes टू गो. लेकिन उसके पहले बाकी लोगों को भी यहाँ से जमा करते हुए लेके जाने का. ये रहा दिग्विजय, लेट किया इसने. ड्राइवर हाउ आर यू ब्रो? ये भाई है ना लेट. ओके सो द टाइम इज 6:50 पोपुली रोड पे, और ये है हमारा लाइन अप. ग्रुप राइड है, सबको साथ में लेके चलना है. इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे. सो दैट्स द रीजन भैरव आगे लीड कर रहे हैं और मैं पीछे हूँ, सो दैट कोई मिस ना हो बीच में. देखते अभी डेस्टिनेशन पे 1 hour 29 minutes बता रहा है. लेकिन सुबह के टाइम में ट्रैवलिंग बहुत इजी रहता है यार, मतलब पता नहीं चलता है डिस्टेंस कवर करने के टाइम पे. और सॉरी यार, हैप्पी रिपब्लिक डे भूल गया. 26 जैन तो बोला मैंने बट विशेज नहीं किए. सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू everyone. ड्राइवर ओके ब्रो calm down. सो टाइम इज 8:00 और लोनावाला पहुंच गए. और जब भी 26 जैन है 15th अगस्त
रहता है तो वो टाइम पे लोनावला में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ राइड्स। सब लोग यहाँ पे आना प्रीफर करते हैं क्योंकि नज़दीक है यार, कितना 110 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स के अंदर ही है कुछ। सूरज चाचा जब तक राइड करते रहूँगा मेरी और आपकी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि बेसिकली जो भी मैं राइड करता हूँ वो मॉर्निंग में करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग राइड्स रहती है मेरी। सो हर व्लॉग में आपको सूरज चाचा के दर्शन होंगे, ये गारंटी है। तो हमारी जितनी भी राइड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें हमारे कुछ मेंबर्स फिक्स रहते हैं। वो कुछ मेंबर्स में से तेजस अभी मिसिंग है क्योंकि वो अपने नेटिव प्लेस पे, अभी जब वो आएगा तो हम लोग साथ में राइड कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए उसके बिना ही राइड करना है। सो तेजस जल्दी आ भाई, और कितना टाइम लगाएगा, राइड करना है यार ब्रो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 1 साल हो गया रहेगा हम लोग को साथ में राइड किए हुए। लास्ट राइड हम लोग का साथ में था पुणे वाला, पुणे इवेंट था वो लास्ट राइड था, उसके बाद हम लोग ने राइड किया ही नहीं साथ में। होपफुली जल्दी आएगा और राइड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सन लेक पुणे हाईवे, वहाँ से एक लेफ्ट मारना है, सेकेंड लेफ्ट जैसे ही वो जहाँ पे ब्रिज का काम चालू है उसके बाद से लेफ्ट है, उसके बाद में एक लेफ्ट आता है वो नहीं लेना, उसके आगे वाला लेफ्ट एंड देन फॉलो द स्ट्रेट रोड। अभी 16 मिनट्स तो बता रहा है, वो 9.1 किलोमीटर टू गो और ये फुल गांव वाला रास्ता है, तो फिर कुछ भगाने वगाने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। भाई मुंबई से बाहर निकलो, ये नज़ारे तो देखने ही देखना है मुंबई में भी है लेकिन बहुत कम। हाँ यार बोल ले लो या महिन्यामध्ये गावाला जायचं, पण बघा अजून एक हफ्ता आहे बाकी ना, जाऊ शकतो पण कन्फर्म नाही ते माहिती पडेल नेक्स्ट वीकेंडलाच काय प्लॅन होतोय ते। प्लान होता तो निकल जाएंगे, नहीं होता तो फिर ये चुटकू पुटकू राइड करेंगे अपन। सो टिल नाउ 142 किलोमीटर्स, सो वी आर अबाउट टू रीच, एक मिनट बाकी है। डिले इसके लिए हुआ क्योंकि भैरव गलत रास्ते पे चले गया था, सो उसके लिए वेट किया हम लोग ने, अभी सब साथ में ही है। सो सिर्फ घूम रहे हम लोग, कोई बोल रहा है यहाँ पे है, कोई बोल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल जाने के लिए रास्ता है नहीं। सो ये जुगाड़ करके ये गेट से हम लोग को अंदर जाने मिला, बट डोंट नो लीगल है कि इलीगल है, बट वी आर गोइंग इनसाइड क्योंकि भाई इतना दूर आने के बाद में अगर लेक के पास जाने नहीं मिला तो मतलब नहीं है इतना दूर आके आराम से भाई काका थैंक यू। चल चल चल, तो फिर से ऑफ रोडिंग का झटका। या बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है R15 V3 पे। हमको जाना उस तरफ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं उतर सकते, इससे ज़्यादा नीचे उतरेंगे तो वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे।
फाइनली भाई, दिस इज द व्यू, मस्त। चलो इधर आने को कुछ तो फायदा होगा, ये एकदम लेक के पास उतार नहीं सकते, यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी बाइक। फेंसेस है पूरा, ये आई बिलीव प्राइवेट लैंड है। सो आफ्टर मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस हम लोग यहाँ पे आ गए। पता नहीं अभी यहाँ पे भी लीगल है कि इलीगल है अंदर आना, गेट खुला दिखा हम लोग अंदर आ गए, लेकिन ठीक है यार, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ तक ये रोड है, बस लेक के बाजू में उतरने मिल जाए सो ये राइड सक्सेसफुल हो जाएगी हमारी। वहाँ पे सीन हो गया, एक अंकल आए, दे वर सेइंग दैट दिस इज़ अ प्राइवेट लैंड, यू कैन नॉट एंटर इन दिस। ए लोचे, ज़्यादा कुछ नहीं, देखो कुछ भी होता है सॉरी बोल के निकल जाने का रहता है। पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, रास्ता ढूंढ रहे लेक के पास जाने के लिए, बस वही चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसे ट्रैफिक को पार कर रहे और मुंबई में एंटर कर चुके, तो अभी बज रहे हैं 3:42। और एक चीज़ समझ में आ गई, कभी भी कोई लोकेशन फाइनल करते रहोगे तो एक बार विज़िट करना चाहिए, उसके बाद में लोकेशन फाइनल करना चाहिए, और ऐसा स्कैम हो सकता है। नहीं कोई नहीं, राइड बहुत ही अच्छी थी। चलो ये तो होते रहता है, ऐसा छोटा मोटा तो होना चाहिए ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस और राइड वो तो हमेशा अच्छा रहता है, और अच्छी थी अभी भी और हमेशा रहने वाली है। चलेगा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन। कुछ बोलना है, फीडबैक, कॉम्प्लीमेंट, सजेशन, कमेंट सेक्शन है आपके पास। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो यार। राइट, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड लिव योर ड्रीम। बाय बाय।